हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लेनब्यूटरॉल के बारे में। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है एथलीट्स के द्वारा और फिटनेस मॉडल्स के द्वारा थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई एंड्रोजेनिक कंपाउंड नहीं है एंड बाय क्लासिफिकेशन ये कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड भी नहीं है, तो इसको फीमेल्स भी यूज करती हैं। जितने भी विमेन्स कॉम्पिटिशन्स होती हैं, विमेन्स स्पोर्ट्स होती हैं, फिटनेस मॉडलिंग होती है, स्विमिंग होती है, ओलंपिक्स होती हैं, काफी तरह के एक्टर्स, मॉडल्स और फिटनेस आइकॉन्स बहुत मुसीबत में पड़ चुके हैं क्लेन यूज करने की वजह से। कई बार वो इमरजेंसी रूम्स में भी लैंड अप करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वाइडली अब्यूज्ड फैट बर्नर के बारे में और वो है क्लेन। क्लेनब्यूटरॉल ब्लैक मार्केट में प्रमोट करी जाती है एज अ ड्रग विच इज नोन फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस, एक्सट्रीम वेट लॉस और बहुत जल्दी बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा वेट और फैट लूज करने के लिए क्लेनब्यूटरॉल लोग सजेस्ट करते हैं। आज हम चार मेन चीजों के बारे में बात करेंगे जो क्लेन से रिलेटेड है। सबसे पहले क्लेन की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड नहीं है क्लासिफिकेशन से, ना ही ये एंड्रोजेनिक है, लेकिन ये फिर भी फैट बर्न करता है और मसल भी बिल्ड करता है, इस चीज का भी काफी एविडेंस है। तो ये दोनों काम कैसे करता है वो भी डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लिमिटिंग फैक्टर है इस ड्रग का, जिसकी वजह से इसका यूज एक डोजेज पे लिमिट हो जाता है, वो है इसके साइड इफेक्ट्स, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो 1967 में जब इस ड्रग पे रिसर्च हुई तो ये रिसर्च उस पर्पस से चल रही थी कि ये एस्मा के पेशेंट्स को दी जाएगी जो दमे के मरीज होते हैं। एस्मा में क्या होता है, आपकी लंग्स ना जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, लंग के अंदर जो छोटे यूनिट होते हैं उनकी लाइनिंग स्मूथ मसल से बनी होती है, और वो जब स्पैजम कर जाती है, झटका पड़ता है उसमें और वो अटक जाती है, सांस नहीं ले पाता आदमी, उसको हम एस्मा बोलते हैं। और जब ये चीज प्रेसिपिटेट होती है उसको हम एस्मा का अटैक बोलते हैं। उस सिचुएशन में हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं जैसे कि सैलब्यूटामोल, आपने एस्थिलिन नाम सुना होगा, नीले रंग का इनहेलर देखा होगा, बहुत एस्थमेटिक्स को बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। एस्थिलिन या सैलब्यूटामोल एक बहुत ही कम पोटेंट वर्जन है क्लेनब्यूटरॉल का। तो इस पर्पज से इसको रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन काफी कंट्रीज में ये कभी भी ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हुआ ही नहीं। ये अप्रूव हुआ कैटल यूज के लिए और घोड़ों पे यूज करने के लिए, वेटनरी यूज के लिए, जिन घोड़ों को और जिन गाय भैंसों को अस्थमा होता था उनको दिया जाता था। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, कुछ साल ये यूज करने के बाद, ये कैटल में भी बैन कर दिया गया। अब फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इसका यूज सिर्फ घोड़ों में अलाउड था, और वो कैटल में भी इसलिए बैन किया गया कि देखा गया कि जो गाय भैंस खाते हैं अपना इंडिया से बाहर लोग, और उनके मीट में क्लेन था, क्योंकि उन गाय भैंसों को क्लेन दिया गया था अस्थमा के इलाज के लिए, उस मीट को खाने से लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। इसीलिए FDA ने बैन करा इस चीज को कि ये कैटल में भी नहीं यूज होगा, ये सिर्फ और सिर्फ घोड़ों के लिए यूज होगा। अब बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में। इसकी फार्माकोलॉजी और इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इट इज वेरी सिमिलर टू एंटी एस्थमेटिक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स जैसे कि सैलब्यूटामोल। ये क्लासिफिकेशन से एक बीटा एड्रिनर्जिक एगनिस्ट है, यानी कि ये जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, उनको स्टिमुलेट करता है, सिमिलर टू केमिकल्स लाइक एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन जब आप देखेंगे, आप कभी फाइट या फ्लाइट वाला जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं, कभी कोई लड़ाई हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है या बहुत डर लग रहा होता है तो हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, आवाज क्रैक होनी शुरू हो जाती है, इसको हम बीटा एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं जब बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है, अपनी हार्ट बीट सर में सुनाई देने लगती है, उसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। ये सारी चीजें जो हैं बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेटर से, एगोनिस्ट से होती हैं, और क्लेनब्यूटरॉल एक बहुत ही पावरफुल, पोटेंट और लॉन्ग लास्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। इसी वजह से एस्थमा के पेशेंट्स को भी ये नहीं दिया जाता है,
इवन दो ये बहुत हेल्पफुल प्रूफ कर सकता है अस्थमा के केसेस में, इसीलिए नहीं दिया जाता है, इसीलिए सैलब्यूटामोल दी जाती है, एस्थिलीन जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो एक शॉर्ट एक्टिंग कंपाउंड है और उसकी पोटेंसी काफी कम है क्लेनब्यूटरॉल से। क्लेनब्यूटरॉल बहुत ज्यादा पोटेंट है और उसके और भी मैकेनिजम्स होते हैं एक्शन के, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाते हैं सबसे बड़ी बात पे कि क्लेनब्यूटरॉल से फैट लॉस कैसे होता है। ये दो मैकेनिज्म से होता है। पहला मैकेनिज्म जो है CNS के थ्रू एक्ट करता है, जिसको हम थर्मोजेनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। CNS यानी कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके दिमाग में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रखता है। सो बेसिकली ये आपके बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर एक तरीके से माना जा सकता है। जब आप क्लेन लेते हैं तो ये हाइपोथैलेमस को ओवर स्टिमुलेट करता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि बॉडी को हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगी? वो हीट प्रोड्यूस होगी फैट बर्न होने से। सो टू मेंटेन दैट हाई बॉडी टेम्परेचर, बॉडी जो है फैट के स्टोर्स को बर्न करती है, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू बर्न फैट, दैट इज नॉट अ वेरी सेफ वे टू बर्न फैट। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्लेनब्यूटरॉल का, वो होता है फ्री फैटी एसिड लिबरेशन। उसमें वो क्या करता है, वो जाता है एडिपोज सेल्स में, जो आपके फैट सेल्स होते हैं, और उसमें से जाके वो फैट को ब्रेक डाउन करता है और फ्री फैटी एसिड्स फॉर्म होते हैं जो वो लिबरेट कर देता है। इस तरीके से ये डायरेक्टली फैट सेल्स, एडिपोज सेल्स को खत्म कर देता है, बर्न ऑफ कर देता है। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा फैट बर्न हो जाता है इन दोनों मैकेनिज्म से। अब आ जाते हैं इस चीज पे कि ये एनाबॉलिक है कि नहीं। एनाबॉलिक बेसिकली जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं वो है मसल बिल्डिंग का सेंस। और ये पाया गया है कि एनेक्डोटली, एटलीस्ट पाया गया है, इस पे कोई स्टडीज नहीं हुई है ऑब्वियसली, और जितने भी एनेक्डोट्स आप सुनेंगे वो उन लोगों से सुनेंगे जो क्लेन खाली तो यूज नहीं कर रहे होते, उसके साथ कोई ना कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले ही रहे होते हैं यूजुअली, तो वो कहेंगे कि हमारी क्लेन से भी मसल बन रही है। इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन एक डिजीज होता है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी करके, जो एक ऑटोइम्यून मस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें मसल डीजेनरेशन होती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक 1990s में स्टडी हुई थी, जिसमें क्लेन दिया गया था इन पेशेंट्स को, और पाया गया था कि मसल फाइबर टाइप जो है वो चेंज हो जाता है। इवन DNA के लेवल पे ये एक्ट करके मसल फाइबर टाइप को चेंज करती है और मसल ग्रोथ प्रमोट करती है। लेकिन इस चीज को आगे किसी स्टडी में परस्यू नहीं किया गया, इसके बारे में बात करनी लोगों ने छोड़ दी। पता नहीं क्यों साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको अबैंडन कर दिया एज अ मसल बिल्डिंग एजेंट। मोस्ट प्रोबेबली उसका रीजन यही था कि इट इज अ वेरी रिस्की थिंग टू टेक फॉर दिस पर्पसेस एंड देयर आर मच बेटर कंपाउंड्स अवेलेबल। अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स पे। इस ड्रग की जो लिमिटेशन है वो सिर्फ इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से है, नहीं तो ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है। इसको, इसकी जितनी परेशानियां हैं, जो डोजेज लिमिटेशन होती है, जो साइक्लिंग करनी पड़ती है, जो टेपर करना पड़ता है, डोज को ऊपर ले जाके एकदम बंद करना पड़ता है, ये सारी चीजें इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से ही होती हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि आपका हार्ट। हार्ट रेट तेज हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, हार्ट बीट सर में सुनाई देने लगती है। और मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हुए हैं जिनका हार्ट रेट अप टू 180 बीट्स पर मिनट होता है जब वो इमरजेंसी रूम में रिपोर्ट करते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट 60-100 होता है और उनका 180 तक पहुंच जाता है। जो चीज 60-100 के बीच में होनी चाहिए वो 180 पहुंच जाती है क्लेन लेने से। मैं ये नहीं कह रहा ये सबके साथ होता है, लेकिन हार्ट रेट 100% इंक्रीज होता है। कितना होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन हार्ट रेट और पैल्पिटेशंस दो ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो हर क्लेन यूजर को फेस करने ही पड़ते हैं। एक और काफी सीवियर साइड इफेक्ट्स जिसको मैंने पर्सनली नहीं देखा है कभी, लेकिन मैंने केस स्टडीज पढ़ी हैं इस बारे में और मैंने स्टोरीज भी सुनी है दूसरे डॉक्टर से इस बारे में, कि काफी यंग पेशेंट्स जो आते हैं वो एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ आते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन एक तरीके का एरिथमिया होता है और ये यंग लोगों में नहीं देखा जाता है, ये यंग लोगों में बहुत रेयर होता है। और ऐसे लोगों को काफी इन्वेसिव और एक्सटेंसिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं उस साइनस रिदम को रिस्टोर करने के लिए, जिसमें नॉर्मली हार्ट चलता है, उस रिदम को रिस्टोर करने के लिए। और ये बहुत डेंजरस और पोटेंशियली लीथल होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन कैन कॉज डेथ। मैंने पर्सनली नहीं देखा है, फिर मैं बता दूं, लेकिन ये केस स्टडीज हैं, ये एक रेयर साइड इफेक्ट है क्लेन का, तो इसको भी दिमाग में रखना होता है। फिर आ जाते हैं एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन के बारे में, जो होते हैं क्लेन शेक्स। क्लेन शेक्स का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने बताया, ये एक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है एगनिस्ट है। इसको
आप फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन सिक्रेट होता है और ये सिमिलर तरीके से आपके सिस्टम पे एक्ट करता है। और आप पाएंगे कि जैसे शिवरिंग सी होने लगती है जब किसी को स्टेज फ्राइट होती है, या बहुत डर लग रहा होता है, या एकदम से लड़ाई करके कोई हटता है, लड़ाई के बीच में होता है, वो कपकपी जो छूटती है उसको एक तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं क्लेन शेक से। अगला साइड इफेक्ट जो है वो है नोजिया, यानी कि उल्टी आने जैसा लगता है, और वो इस वजह से होता है यूजुअली कि ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस कॉज करता है। आपकी बॉडी में एक बहुत बारीक और बहुत ही केयरफुल और एक्यूरेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हार्ट रेट से लेकर आपकी बॉडी की हाइड्रेशन, किडनी हेल्थ, हर चीज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे डिपेंड करती है। यहाँ तक कि आपका ब्लड प्रेशर भी आपके सोडियम लेवल्स पे डिपेंड करता है। आपकी हार्ट बीट कितनी रेगुलर रहेगी वो आपके पोटेशियम लेवल्स पे डिपेंड करती है, और क्लेन एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस कॉज करती है। और आखिरी साइड इफेक्ट जो क्लेन का है वो है इंसोम्निया और नर्वसनेस। इंसोम्निया का मतलब है कि जब नींद नहीं आती लोगों को, आपको क्लेन काफी हाइपर कर देता है, तो उससे आप पूरी पूरी रात नहीं सो पाते, विच लीड्स टू अदर कॉम्प्लिकेशन। लोगों को मालूम है, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन ही जाएगी और आपकी बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। दूसरी चीज जो है नर्वसनेस और एंग्जाइटी। काफी लोगों को लाइफ टाइम नर्वसनेस और एंग्जाइटी फेस करनी पड़ती है क्लेन यूज के बाद, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। वो पूरी लाइफ जो है एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्लेन यूज करी। अब जो अंडरग्राउंड में लोग आपको बताएंगे क्लेन के बारे में, जो गुरुजीज आपके देंगे आपको क्लेन, वो इसके अराउंड कैसे जाते हैं ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आई फील कि आपको राइट है इंफॉर्मेशन का, आपको जानना चाहिए सब कुछ। और काफी लोग बोलेंगे कि मैंने क्लेन लिया है पर मुझे थोड़े से ये साइड इफेक्ट्स हुए, सारे नहीं हुए। और वो ऐसा होता है कि वो पहले बहुत लो डोज से शुरू करते हैं, बहुत ही लो डोज से, ये देखने के लिए कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस डोज को बढ़ाते जाते हैं जब तक कि वो डेंजरसली हाई हो जाती है, और फिर वो एकदम से उसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि क्लेन की टॉलरेंस भी बहुत जल्दी बिल्डअप होती है। टॉलरेंस का मतलब मैंने पिछली काफी वीडियोज में बताया है कि आपको धीरे धीरे वो सेम इफेक्ट लाने के लिए डोज बढ़ानी पड़ती है। उस चीज को टॉलरेंस बोलते हैं, जो हमने कॉफी में भी देखी, हमने प्री वर्कआउट में भी देखी, हमने बहुत तरीके की ड्रग्स में देखी, सेम चीज क्लेन के साथ भी होती है। तो वो उसको इंक्रीज करते जाते हैं काफी डेंजरस डोजेस तक, और उसके बाद स्टॉप कर देते हैं और साइकिल ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं कुछ डेज के लिए। इस तरीके से वो कुछ समय के लिए क्लेन के साइड इफेक्ट से बच जाते हैं, गिव अ टेक थोड़ा बहुत। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस ड्रग, बहुत डेंजरस है ये, इससे दूर रहना चाहिए। जहां चीजें सेफ होती हैं मैं आपको बता देता हूँ, जिन चीजों के जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, सब मैं खुला डिस्कस करता हूँ, और जो चीज मुझे लगता है कि ये रिलेटिवली यूज की जा सकती है मैं उस बारे में बात करता हूँ। लेकिन क्लेन एक ऐसी चीज नहीं है, क्लेन से आप दूर रहें तो आपके लिए बेटर है, जितना दूर रहें उतना बेटर है। फैट बर्न करने के बहुत तरीके हैं, आपको सिर्फ अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए, और इससे बहुत सारी सेफ तरीके हैं। मैंने कार्निटिन के बारे में बात करी है कई जगह, मैंने एफेड्रा बेस्ड फैट बर्नर्स के बारे में बात करी है, जो कि बहुत सेफ नहीं होते बट एटलीस्ट क्लेन से ज्यादा सेफ होते हैं, और मैंने बहुत बहुत तरीके बताए हैं फैट लूज करने के, तो आप उनको फॉलो करिए, उनको देखिए, क्लेनब्यूटरॉल के चक्कर में ना पड़े। और अब बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन था ये क्लेन के बारे में, इसको मैं खत्म करता हूँ अभी। लेकिन ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड थी, बहुत लोगों ने मुझे बोला था, और मुझे लग रहा था इसकी बहुत जरूरत भी है, क्योंकि बहुत लोग क्लेन यूज कर रहे हैं बिना मतलब, और बहुत लोग इमरजेंसी रूम में लैंड अप करते हैं। वो इमरजेंसी में जाने के बाद आपको बताएंगे नहीं कि मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन ये हो रहा है। पेशेंट्स आते हैं ऐसे, यंग पेशेंट्स, इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ, हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ, जो उनमें नहीं दिखनी चाहिए उस उम्र में। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं क्लेन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट है आप जरूर कमेंट्स में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत रेकमेंड कर रहे हैं उसकी वजह से किसी की जिंदगी ना खराब हो। Thank you for watching. Let's make India fit together.